अब समाचार विस्तार से। खरगोन में यातायात व्यवस्था में सुधार पर डीजीएनआई न्यूज निमाड़ पिछले 2 दिनों से लगातार स्पीड ब्रेकर की खबर प्रसारित कर रहा था। इंदौर में हुए सड़क हादसे में मासूमों की जान चली गई, उसी तरह के सिस्टम पर हमने भी पड़ताल करनी चाहिए। तब हमने क्या पाया, देखिए डीजीएनआई न्यूज निमाड़ की एक्सक्लूसिव खबर। खरगोन में स्कूली बसों को जीपीएस सिस्टम और कैमरे लगाए जाने के आदेश दिए थे। प्रदेश की राजधानी भोपाल में युवती के साथ हुए बलात्कार की घटना के बाद सभी आरटीओ के आला अधिकारियों को महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए जीपीएस सिस्टम, महिला अटेंडर, महिला टीचर के साथ साथ नियमों का पालन नहीं करने पर स्कूलों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। यह सभी तथ्यात्मक पत्र के साथ हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं। आइए हम आपको बताते कि इस आदेश में है क्या, सुनिए। कृपया प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गृह विभाग द्वारा प्रेषित निर्देश दिनांक 16/11/2017 का अवलोकन हो। प्रसारित निर्देशों की कंडिका 5 निम्नानुसार है। लोक परिवहन को महिलाओं के लिए और अधिक सुरक्षित बनाने हेतु प्रयास किए जाएं। स्कूल, कॉलेज और बसों एवं लोक परिवहन के सवारी वाहनों के चालकों की चेकिंग की जाए एवं उनका चरित्र सत्यापन किया जाए। लोक परिवहन के वाहनों, खासकर स्कूल बसों में पंजीयन के समय जीपीएस एवं सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य किए जाने के बाबत आवश्यक कार्रवाई की जाए। सभी स्कूल बसों में महिला कंडक्टर अथवा महिला टीचर की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए एवं परिवहन विभाग द्वारा जारी सुरक्षा संबंधित निर्देशों का पालन न करने पर शैक्षणिक संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शासन द्वारा प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है, अतः उपरोक्त अनुसार अविलंब कार्रवाई करते हुए शासन को अवगत कराया जाए। स्कूल बसों में जीपीएस एवं सीसीटीवी कैमरा लगाने की कार्रवाई 31 दिसंबर 2017 तक अनिवार्यतः पूर्ण कराई जाए। त्रुटिकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। एस एन मिश्रा, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग, भोपाल, दिनांक 21/11/2017। इसके बाद खरगोन के स्कूल की बसों में क्या हो रहा है आप स्वयं देख सकते हैं। शनिवार को एक निजी स्कूल की बस में ओवरलोडिंग नजर आई, साथ ही साथ कई स्कूली बच्चों के हाथों में दो पहिया वाहनों के साथ भी नजर आए। हमारे खरगोन के ट्रैफिक तंत्र की व्यवस्था इतनी लचर है कि आरटीओ अधिकारी एचएल सिमरिया ने जब कार्यकालीन समय पर मिलने पहुंचे, कार्रवाई के लिए कही जाने वाली बात कर्मचारी ने कैमरे के सामने न आने की शर्त पर कही। खरगोन पुलिस अधीक्षक डी कल्याण चक्रवर्ती के निर्देशों पर यातायात प्रभारी पिछले 3 दिनों से कार्रवाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीएनआई न्यूज, खरगोन। हाँ सर, नमस्कार सर, डीजीएनआई न्यूज चैनल से नीरज भावसर बात कर रहा हूँ। हाँ वो जी सर, ये 21 नवंबर को एक आदेश निकला था जीपीएस और सिस्टम लगाने का, सीसीटीवी कैमरा। हाँ हाँ, तो सर इस पर क्या कार्रवाई हुई सर, आदेश मिलने के 2 महीने बीतने जा रहे हैं जी सर। जीपीएस तो लगा रहे हैं अपन, इतनी गाड़ी आ रही है फिटनेस के लिए। जी सर, वो तो लगा रहे हैं अपने। कितने गाड़ी लग चुके हैं सर अभी तक, कोई डेटा मिल सकता है क्या? ये तो रिकॉर्ड देख के बता पाएंगे या जितनी फिटनेस लेंगे उसको देख के। अच्छा सर, और सर ये सीसीटीवी कैमरा कितनी गाड़ी में लग चुका है अभी तक? ये तो हम लगाने का शुरू है, 31 तक का टाइम था हमको। हाँ 31 तक का टाइम था। हाँ अब जो फुटनेस के लिए आएंगे उसमें लगाएंगे, देखेंगे लगाएंगे फुटनेस। तो सर ये कार्रवाई कब से शुरू हो जाएगी? जिस सर जैसे कि इंदौर में एक घटनाक्रम हुआ जिसमें बच्चे सड़क हादसे के शिकार हुए। हाँ हाँ हाँ, उस तरीके से अगर आप लेंगे तो आज सर बुरहानपुर में घटनाक्रम हुआ, उसके फिटनेस नहीं कर रहे हैं गाड़ी की। और सर स्पीड गवर्नर कितनी गाड़ियों में लग चुके हैं अभी तक? स्पीड गवर्नर तो जो फिटनेस के लिए आगे लग रहे हैं बराबर। तो सर उसका डेटा उपलब्ध हो सकता है क्या सर? फिटनेस के वो होगा उसको दबाएंगे सर। ये जो सर उसका डेटा कब तक उपलब्ध हो पाएगा सर? ये सारी मिल पाएगा सोमवार को। ठीक है सर, धन्यवाद सर। स्कूली बसों में कैमरा और जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य कर देने का शासन का आदेश प्राप्त हुआ था 21 नवंबर को, क्या कार्रवाई की जा रही है उस पर? अपने खरगोन जिले में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में सभी स्कूलों के प्राचार्य को हमारे द्वारा जो है सीसीटीवी कैमरे लगाना एवं जिन स्कूली बसों में बच्चियाँ छात्राएँ जाती है उसमें महिला अटेंडर रखने के लिए अनिवार्य रूप से पत्र लेख किए गए थे। सभी को सूचना पत्र तामील भी करवाए थे और इसी के तहत बीच बीच में चेकिंग शुरू करवाई, जिसके तहत अभी विगत 3 दिन से लगातार चेकिंग चल रही है।
बसों में महिला अटेंडर तो पाई गई परंतु सीसीटीवी कैमरे नहीं पाए गए और कुछ बसों में जो है बच्चे ओवर लोडिंग भी पाए गए। तो अभी हमारे द्वारा जो है लगातार अभी 4 बसें जो है हमने पकड़ी है जिसमें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे एवं जो बच्चे थे वो ओवरलोड पाए गए थे। तो सभी पर यह निरंतर कार्रवाई चलती रहेगी। जिन्होंने इसका पालन किया है अच्छी बात है, जिन्होंने पालन नहीं किया उनके विरुद्ध सख्ती से सख्त कार्रवाई की जा रही है और इनको निर्देश दिए गए कि 5 दिवस के अंदर में किसी भी सूरत में ये सीसीटीवी कैमरे अपने सभी बसों में लगा लेंगे। जीपीएस और कैमरा से बसें सुरक्षित हो सकती हैं? बिल्कुल, किसी भी प्रकार की अगर कोई छोटी से छोटी हरकत भी होती है तो उसका रिकॉर्ड हो जाएगा। कोई अनजान व्यक्ति किसी भी बस में नहीं चढ़ पाएगा, कोई भी बाहरी व्यक्ति उसमें दखलंदाजी नहीं देगा, ये क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड हो जाएगा और पुलिस को उसमें जो है आरोपित अगर ऐसी कोई घटना होती तो आरोपी तक पहुंचने में सुविधा प्रदान होगी। बड़वाह की कवर कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में बच्चों में संस्कारों के सिंचन की बात कही गई। भगवान श्री राम के जीवन प्रसंगों के माध्यम से संस्कारों के उदाहरण दिए गए। कवर कॉलोनी में महिला मंडल द्वारा आयोजित श्रीमद् भगवत कथा के चौथे दिवस तथा वाचकंप दीपक रावल ने भक्तों को कही। उन्होंने आगे कहा कि बच्चों में बाल्यावस्था से ही अच्छे संस्कार देना जरूरी है। बचपन में दिए गए संस्कार बच्चों के जीवन भर काम आते हैं और बालक जीवन भर सुमार्ग पर चलता रहता है। इस अवसर पर श्री कृष्ण जन्म